ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी, एक ऐसा संगठन जो दुनिया में यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका के 57 कंट्री ओआईसी का हिस्सा हैं, जो कि 1.8 बिलियन लोगों की कलेक्टिव वॉइस है। यानी ओआईसी 1.8 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम के अगेंस्ट या इस्लाम के अगेंस्ट कहीं भी किसी भी देश में कोई ऐसी घटना हो जो इस्लामिक इंटरेस्ट के खिलाफ होती है, ओआईसी उस पर तुरंत रिएक्ट कर अपना स्टेटमेंट जारी कर देती है। जैसे भी हाल ही में स्वीडन में फ्री स्पीच के नाम पर कुरान को जलाया गया, ओआईसी ने तुरंत उस पर रिएक्ट किया। इसराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में मौजूद रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया, जिसमें 9 पैलेस्टीनियन लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। ओआईसी ने इस पर भी रिएक्ट किया और यूएन सेक्रेटरी जनरल से पैलेस्टीनियन लोगों की प्रोटेक्शन की मांग की। अभी इंडिया में भी जब रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम क्लैश देखा गया, जगह जगह दंगे हो रहे थे, तब भी ओआईसी ने उसे कंडेम किया था। इसके अलावा एक बहुत फेमस इंसिडेंट, नुपुर शर्मा का प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को लेकर करी गई टिप्पणी के बाद कुवैत, ईरान, इराक, सऊदी अरब, टर्की, जॉर्डन जैसी 16 कंट्री ने स्ट्रॉन्गली कंडेम किया था। साथ ही ओआईसी की तरफ से भी नुपुर शर्मा के बयान पर स्टेटमेंट जारी किया गया था। कहने का मतलब, हर वो पॉइंट जिससे इस्लामिक इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं, ओआईसी उस पर रिएक्ट करता है। और आज के इस वीडियो में हम ओआईसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओआईसी है क्या, ये कब बना और क्यों बना। ओआईसी बनने के पीछे एक बड़ी ही पेनफुल स्टोरी है जो हर मुसलमान के लिए किसी जख्म से कम नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करेंगे ओआईसी की, और इसके लिए हम चलते हैं 1969 में। यह है मस्जिद अल अक्सा, बैतुल मुकद्दस, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। अल अक्सा मस्जिद मुस्लिम के लिए एक ऐसी जगह है जो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये भी जान लें। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मुस्लिम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनका फेस वेस्ट की तरफ होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे मुस्लिम वेस्ट की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कोई ईस्ट की तरफ फेस करता है तो कोई नॉर्थ या साउथ की तरफ, क्योंकि नमाज का वेस्ट डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ये नमाज की डायरेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये काबा पर डिपेंड करता है। जिस कंट्री का जो डायरेक्शन काबा की तरफ होगा, लोग उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। जैसे इंडिया के डायरेक्शन में काबा वेस्ट साइड में आता है तो लोग उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ये इमेज देखिए, यहां सभी लोग सर्किल में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। यहां ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से कोई मतलब नहीं, सभी का डायरेक्शन सिर्फ काबा है। अब आप सोचेंगे, इसका पैलेस्टाइन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा से क्या मतलब है, मुसलमानों के लिए वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो आइए बताते हैं। इस्लाम के शुरुआती दौर में जब मुसलमान और खुद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम नमाज के लिए खड़े होते थे, तो उनका डायरेक्शन काबा नहीं हुआ करता था, बल्कि वो सभी मुसलमान मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। वैसे ही जैसे आज का मुसलमान काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है। मुसलमान मस्जिद अल अक्सा को ही अपना किबला मानते थे। मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ जाते हैं और वहां पहुंचने के 17 महीने बाद तक वो उसी अल अक्सा मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से मुसलमानों का डायरेक्शन बदल गया। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम अपने मुसलमान भाइयों के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि उसी बीच जिब्राइल, जो कि एक फरिश्ता है, वो आते हैं और प्रॉफिट को काबा के डायरेक्शन में टर्न होने के लिए कहते हैं, और वो नमाज के बीच में ही काबा के डायरेक्शन में टर्न भी हो जाते हैं। यानी एक ही नमाज में आधा टाइम वो मस्जिद अल अक्सा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं और आधी नमाज में काबा की तरफ। जिस मस्जिद में यह सब हुआ वो आज भी मदीना में मौजूद है, जिसे मस्जिद अल किबलतैन कहा जाता है, यानी दो किबला वाली मस्जिद। अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है। इस डायरेक्शन को मस्जिद अल अक्सा से काबा की तरफ क्यों चेंज किया गया, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, जिसके बारे में कुरान के चैप्टर 2 वर्स 142, 143, 144 में बताया गया है। हम इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे, अभी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात करी थी 1969 की। एक बंदा था डेनिस माइकल रोहन, जो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। रोहन ऑस्ट्रेलिया से पैलेस्टाइन आता है और 6 महीने तक पैलेस्टाइन के यरूशलेम एरिया में रहता है। यरूशलेम वही जगह है जहां मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। वो अक्सर मस्जिद अल अक्सा की तरफ जाता और पूरे एरिया को देखता, समझता और वापस आ जाता। वो अक्सर वहां आता था, जिस कारण वहां पर रहने वाले यरूशलेम इस्लामिक वक्फ के गाइड और गार्ड से उसकी अच्छी खासी जान पहचान भी हो गई थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो वहां आता क्यों है। 11 अगस्त 1969, इस दिन माइकल रोहन फिर से आता है। रात में करीब 11:30 बज रहे थे। वो अपने हाथ में मिट्टी का तेल लेकर आता है और मस्जिद अल अक्सा में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और ना ही उसे कोई देख पाता है। 21 अगस्त 1969, इस दिन फिर से रोहन आता है, हाथ में वही मिट्टी के तेल की बोतल को एक थैले में छिपाकर मस्जिद अल अक्सा में इंटर करता है और मस्जिद में
आग लगा देता है, जिसमें अल अक्सा मस्जिद का कई हिस्सा जल के राख हो जाता है, जिसमें सलाउद्दीन की मीनार जो 12वीं शताब्दी की थी वो भी जल जाती है। इसके अलावा मोज़ेक गुंबद मेहराब के बीच के दो संगमरमर के खंभे भी जल के राख हो जाते हैं। लेकिन इस बीच जो लोग वहां थे वो माइकल को भागते हुए देख लेते हैं। ये एक घटना जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर गुस्से का उबाल पैदा कर देता है, दुनिया भर के मुसलमान इससे आहत होते हैं, यहां तक कि कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुए थे। मुसलमानों का कहना था कि ये सब इसराइल की साजिश का हिस्सा है, उसी ने करवाया है। पैलेस्टीनियन ऑफिसर्स ने कहा ये सब इसराइल की मदद से किया गया और माइकल रोहान एक यहूदी है, जबकि वो यहूदी नहीं बल्कि एक क्रिश्चियन था। इस इंसिडेंट के दो दिन बाद यानी 23 अगस्त को माइकल अरेस्ट होता है, उस पर मुकदमा चलाया जाता है और आखिर में उसे पागल बताकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वो कितना पागल था आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि साल 2009 के बाद वो ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को इंटरव्यू दे रहा था। लेकिन इस घटना की वजह से एक काम हुआ जिसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया। मुसलमानों के बढ़ते विरोध को देखते हुए उन लोगों ने अपना प्लान बदल दिया जो फ्यूचर में वो करना चाहते थे। जैसे रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर जेरा वार हाफ्टिंग ने उस टाइम के जो इसराइल रब्बी थे अंटरमैन और निसिम उन दोनों से बात करी। रब्बी मतलब रिलीजियस लीडर, जैसे क्रिश्चियन में पादरी होते हैं, मुस्लिम में मौलाना और हिंदू में पुजारी, वैसे ही यहूदी धर्म में उनके रिलीजियस लीडर को रब्बी कहा जाता है। अंटरमैन और निसिम ये दोनों अल अक्सा मस्जिद में अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस करना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों के बढ़ते विरोध को देखते हुए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्हें डर था कि यहूदियों को अगर अल अक्सा में उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी जाती है तो पूरा अरब वर्ल्ड भड़क जाएगा। 28 अगस्त 1969 को अल अक्सा में लगाई गई आग के जवाब में 25 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी कंप्लेंट सबमिट करते हैं। 15 सितंबर को सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से इसराइल के खिलाफ एक कंडेमनिंग रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इसी के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में एक बड़ा बदलाव होता है। जब अल अक्सा मस्जिद में आग लगी तो यरूशलम के फॉर्मर मुफ्ती अमीन अल हुसैनी ने इसे यहूदियों का अपराध बताया और सभी मुस्लिम कंट्री के हेड से एक समिट बुलाने की अपील करी। 25 1969 को पहला इस्लामिक समिट मोरक्को के कैपिटल रबाट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे 24 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ने ज्वाइन किया। 6 महीने बाद मार्च 1970 में फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली इस्लामिक समिट सऊदी अरब के जिद्दा में ऑर्गेनाइज करी जाती है और 1972 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है, जिसे अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन OIC कहा जाता है। OIC के चार्टर के अकॉर्डिंग उनका जो एम है वो है इस्लामिक सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज को प्रिजर्व करना, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल साइंटिफिक पॉलिटिकल एरियाज को बढ़ावा देना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना एंड एडवांस एजुकेशन को बढ़ावा देना, पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में। OIC ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज को रखा है, अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और OIC में इस टाइम 57 कंट्री आती है, जिसमें UAE, ईरान, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज शामिल हैं। यही वजह है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें इस्लामिक वैल्यूज को नुकसान पहुंचता है या कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जाता है तो OIC अपना बयान जारी करती है, जिसे मुस्लिम वर्ल्ड के उन सभी 57 कंट्री का साझा बयान माना जाता है। आज जो ये मुस्लिम कंट्रीज का OIC यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा इतना बड़ा संगठन बनकर खड़ा हुआ, मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट हो गया। ये सब होने के लिए वजह सिर्फ एक बनी, अल अक्सा में लगाई गई आग। लेकिन एक पॉइंट जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि इंडिया दुनिया की तीसरी कंट्री है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया की मुस्लिम पॉपुलेशन का 11% हिस्सा अकेले भारत में रहता है, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 200 मिलियन से ज्यादा है, फिर इंडिया को OIC से बाहर क्यों रखा गया है? तो इसकी सिर्फ एक वजह है, पाकिस्तान। भारत की तरफ से OIC ज्वाइन करने की कोशिश करी गई, लेकिन पाकिस्तान स्ट्रांगली इसके अपोज में खड़ा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान OIC के संस्थापक मेंबर में से एक है, साथ ही मुस्लिम वर्ल्ड इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान को ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत के साथ कश्मीर पर चल रहे उसके कॉन्फ्लिक्ट का कारण बताकर, कश्मीर रीजन में भारत पर ह्यूमन राइट वायोलेशन का आरोप लगाकर भारत के OIC ज्वाइन करने की कोशिश पर बैरियर लगाता आया है। साल 2019 एक ऐसा साल रहा जहां पाकिस्तान द्वारा इंडिया को लेकर उसके अपोज को खारिज कर दिया गया। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसमें 40 इंडियन सोल्जर शहीद हो जाते हैं और इस अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान का एक ग्रुप जैसे मोहम्मद लेता है कि उसने ही यह अटैक किया। अगले ही महीने इंडिया पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करता है। लेकिन इसी साल इंडियन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज को OIC की फॉरेन मिनिस्टर समिट में इनवाइट किया जाता है और पाकिस्तान के अपोज के बाद भी UAE उसे खारिज करता है और पहली बार भारत OIC के किसी समिट में पार्टिसिपेट करता है। हालांकि पाकिस्तान ने इसका अपोज करते हुए समिट को बाइकॉट कर दिया था और इसे देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत भी
OIC स्टेट मेंबर लिस्ट में शामिल हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि OIC क्या है, क्यों है और कैसे बनाई गई थी। बाकी अगर आप अपनी राय शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।